चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 3.2 द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में क्या संबंध है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज नोन आल्सो नोन एज द साइंस ऑफ गवर्नमेंट और द साइंस ऑफ पॉलिटी और पॉलिटिक्स। अब देखिए राजनीतिक विज्ञान जो है इसको सरकार का विज्ञान, ठीक है, या राजनीति का विज्ञान भी कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम राजनीतिक विज्ञान है। इट इज़ डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्टेट एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ पावर। आप देखिए पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो स्टेट है, देश या जो राज्य है उसके बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे कैसे काम होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, सरकार कैसे चलाई जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर उसकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। अब देखिए पूरा देश चलाने के लिए या पूरा राज्य चलाने के लिए शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में तो नहीं होता है, अलग अलग लोगों के हाथ में होता है, तो किसका क्या शक्ति है, सरकार कैसे बनता है, तो ये सब कुछ हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। हमारा पॉलिटिकल साइंस का वीडियोस भी है जो कि आप हमारे एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं। इट स्टडीज़ द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी, द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच competitions for power is carried out and the nature of the government and its function such as legislative, executive and judicial। आप देखिए political science में और क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि समाज में जो शक्तियाँ हैं उनको कैसे बांटा गया है, ठीक है, क्या क्या प्रकार की शक्तियाँ हैं जो समाज में हैं लोगों के पास, फिर क्या क्या नियम हैं जो लागू किए गए हैं, फिर जो सरकार है गवर्नमेंट है उसका नेचर कैसा है, सरकार क्या क्या कार्य करती है, चाहे लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है पॉलिटिकल साइंस जनरली स्टडीज द कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड एंड मॉडर्न सोसाइटीज, इन अदर वर्ड्स दो सोसाइटीज That have the machinery of state and written law। अब देखिए समाज जी यहाँ पे जो है राजनीतिक विज्ञान, अब यहाँ पे देखिए एक शब्द है मॉडर्न, ये एक्चुअली मॉडर्न नहीं होगा, ये शब्द होगा मॉडर्न, ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा हम लोग स्पेलिंग सही कर देते हैं, MODERN, ठीक है, एक्चुअली आप लोग के बुक में कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है इसलिए ये आ जाता है। तो बोल रहा है जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है, ठीक है, इसके बारे में, ये बहुत जटिल है, ठीक है, एडवांस्ड है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम लोग राज्य में जो जो मशीनरी है, जैसे देखिए बहुत लोग होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, MLA होते हैं, अलग अलग वार्ड में लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, अब समाज में कौन कौन है ये देखना है, साथ ही साथ रिटन लॉ जो लिखित कानून है वो क्या है, उसके हिसाब से देश कैसे चलेगा, ये सभी चीज़ें हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विथ लार्जर सिस्टम दैट इज होल सोसाइटीज एंड देयर पॉलिटिकल स्टेट्स रादर देन विथ माइक्रो लेवल यूनिट्स फॉर विच सोशियोलॉजिस्ट आर फेमस। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ी प्रणाली है, क्योंकि इसमें पूरे समाज को, पूरे देश में जितने भी लोग हैं सबको लिया जाता है, ठीक है, जितने भी राजनीतिक राज्य हैं सबको लिया जाता है, और ये छोटे स्तर पर काम नहीं करता है, लेकिन जो समाजशास्त्र है वो एकदम छोटे से, एकदम निचले स्तर से काम करना चालू करता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट डू नॉट कैरी आउट पीसेज ऑफ इंटेंसिव फील्ड वर्क विथ सोसाइटीज। अब देखिए जो लोग राजनीतिक वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, जो लोग राजनीति के ऊपर अध्ययन करते हैं वो लोग फील्ड वर्क ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, वो लोग समाज में जाके लोगों से जानकारी सब कुछ एकदम डिटेल में नहीं इकट्ठा करते हैं, ये सब काम सोशियोलॉजिस्ट करते हैं जब वो समाज के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। देयर डेटा कम फ्रॉम पब्लिश डॉक्यूमेंट्स census and official reports, proceedings to the parliament and other political organs,
सर्वे ऑफ ओपिनियंस एंड इलेक्शन रिजल्ट्स एक्सेट्रा। अब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो लोग, उनको जानकारी कहाँ से मिलती है? उनका जो डेटा आता है वो पब्लिश डॉक्यूमेंट से आता है, सेंसस जब पॉपुलेशन कैलकुलेट किया जाता है, फिर जो दूसरे ऑफिशियल रिपोर्ट्स होते हैं, फिर पार्लियामेंट में जो काम होता है उससे उनको जानकारी मिलती है, डेटा मिलता है, फिर राजनीति के जो अलग अलग अंग हैं उनसे होता है इनको जानकारी, फिर सर्वे किया जाता है, ओपिनियंस लिया जाता है लोगों का, उससे इन लोगों को जानकारी मिलता है, इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है उससे पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोगों को जानकारी मिलता है। दिस इम्प्लाइज दैट पॉलिटिकल साइंटिस्ट डू नॉट गो टू द फील्ड टू कलेक्ट डेटा। तो इससे क्या पता चलता है, जो राजनीति से संबंधित वैज्ञानिक है, जो लोग राजनीति के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो खुद फील्ड में, क्षेत्र में नहीं जाते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, जानकारी लेने के लिए। द डेटा दे इंटरप्रेट आर दोज दैट हैव बीन कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स। तो जो डेटा ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी और के द्वारा लिया गया है, किसी और के द्वारा सजाया गया है। आगे बोल रहा है, मोरोवर पॉलिटिकल साइंस एज इट्स नेम इम्प्लाइज इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, दैट इज दोज दैट डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी एंड द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आप देखिए, इसके साथ साथ राजनीतिक विज्ञान, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये जितने भी राजनीति संबंधी संस्थाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं। वहाँ पर क्या होता है, जो भी शक्तियाँ हैं समाज में उनको बांटा जाता है, और देश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा जाता है। एन इम्पॉर्टेंट एरिया इन पॉलिटिकल साइंस इज ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी अबाउट द इमर्जेंस ऑफ स्टेट एंड द नीड फॉर ऑर्डर। अब देखिए, राजनीतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें हम लोग पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ है कि कैसे राज्य बना और कैसे ज़रूरत हुआ कानून व्यवस्था का, क्योंकि देखिए जब दुनिया में लोग आए होंगे तब तो राज्य नहीं था, तब तो कानून व्यवस्था नहीं थी। आज पनिशमेंट दिया जाता है, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये स्टार्टिंग से ही तो नहीं आया होगा। सोशियोलॉजी स्टडीज ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे हैपन टू बी क्लासिफाइड एज ट्राइबल, पीजेंट और अर्बन इंडस्ट्रियल। अब देखिए, समाजशास्त्र में हम सभी प्रकार के समाज के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, वो ट्राइबल हो, पीजेंट हो, अर्बन इंडस्ट्रियल हो, शहर के हो, गांव के हो, किसान हो या जंगल में रहते हो, जैसे भी हो, सबके ऊपर, सभी समाज के ऊपर अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है, जाना जाता है। इट इज कंपैरेटिव, इसमें सबको कंपेयर भी किया जाता है, तुलना भी किया जाता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन दो सोसाइटीज, ट्राइबल एंड पीजेंट, दैट पॉलिटिकल साइंटिस्ट डू नॉट स्टडी। अब देखिए, राजनीति संबंधी जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो लोग ट्राइबल, पीजेंट, ये सब समाज के ऊपर नहीं स्टडी करते हैं। लेकिन जो सोशियोलॉजी में स्टडी होता है, रिसर्च होता है, उसमें ट्राइबल सोसाइटी, पीजेंट सोसाइटी, इसमें भी क्या क्या जानकारियाँ हैं, क्या क्या पावर्स हैं समाज का, ठीक है, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, कौन सा व्यक्ति क्या करता है, ये सब जानकारियाँ मिलती हैं। इन द 1940s एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडीज दोज सोसाइटीज दैट वर विदाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। अब देखिए, 1940 में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो मानव वैज्ञानिक थे, जो लोग मानव विज्ञान के ऊपर अध्ययन करते थे, वो उन समाज के ऊपर भी स्टडी किए जो कि स्टेट के अंदर नहीं आता था, ठीक है। दे वर कॉल्ड स्टेटलेस सोसाइटी, उनको क्या कहा जाता था, स्टेटलेस सोसाइटीज। वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ विच वॉज द नुआ ऑफ सुदान। अब देखिए, इसका एक जो कि बहुत ही अच्छा उदाहरण है वो है नुआ ऑफ सुदान, इसके ऊपर स्टडी किया गया था। आगे देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दैट हाउ इन स्टेटलेस सोसाइटीज ऑर्डर वॉज मेंटेन।
अब देखिए, जहां स्टेट था वहां तो सरकार थी, नियम कानून था, लेकिन जो मानव वैज्ञानिक है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो बताते हैं कि वो समाज जहां पे राज्य नहीं है, स्टेटलेस सोसाइटी, वहां पर जो ऑर्डर है वो कैसे मेंटेन करते हैं, लोग किस तरह से जीते हैं। द एब्सेंस ऑफ अ स्टेट डज नॉट इम्प्लाई द एब्सेंस ऑफ डिवेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, स्टेट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आती होंगी। ईच सोसाइटी हैज़ इट्स प्रोसीजर्स टू हैंडल द केस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ रूल्स एंड कस्टम्स। अब देखिए, हर एक समाज में उनका अपना तरीका होता है कि अगर कोई नियम तोड़ेगा, कानून तोड़ेगा या परंपराओं को तोड़ेगा तो उनको किस तरह से हैंडल करना है। सोशियोलॉजी सप्लीमेंट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट by providing information about the mechanism of social control in simple societies. अब देखिए, जो समाजशास्त्र है वो political scientists जो थे उनको यह समझने में मदद किया कि जो साधारण समाज है उसमें रहने वाले लोग किस तरह से समाज का नियंत्रण करते हैं। क्योंकि देखिए, जो साधारण समाज है उसमें भी तो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी चीज़ें तो वही होती हैं जैसे एक स्टेट में होता है। वी सेड अर्लियर दैट पॉलिटिकल साइंस इज मेनली कंसर्न्ड विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, हम लोग आगे क्या पढ़े कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो क्या चीज़ से संबंधित है, वो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनसे संबंधित होते हैं। सोशियोलॉजी डज नॉट गिव प्रेमेसी टू एनी इंस्टीट्यूशन। अब समाजशास्त्र में कोई भी संस्था को प्रिमिसी नहीं दिया जाता है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, सब एक बराबर है। फॉर इट ऑल इंस्टीट्यूशन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ईच कॉन्ट्रीब्यूट्स इन इट सिग्निफिकेंट वे टू द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। अब समाजशास्त्र के लिए सभी संस्थाएं एक बराबर है, सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो समाज का कार्य है, फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, इसमें हर एक समाज चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी संस्था हो, उसका जो योगदान है वो बराबर का रहता है। आगे बोल रहा है, दस फॉर सोशियोलॉजी द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी एंड शुड बी एनालाइज्ड इन रिलेशनशिप विद अदर इंस्टीट्यूशन। इसलिए समाज शास्त्र के में जो भी राजनीतिक संस्थाएं हैं ये वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है समाज का, ठीक है, समाज का एक संस्था माना जाता है, और जितने भी संस्थाएं हैं सबको लेकर समाज शास्त्र बनता है, ठीक है। तो एक संस्था का दूसरे संस्था के संग रिलेशनशिप होता है और उसको हम सोशियोलॉजी में एनालाइज किया जाता है। द स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन That sociologist undertake is known as political sociology. तो जब समाजशास्त्री जो राजनीतिक संस्थाएं हैं इनके ऊपर अध्ययन करते हैं तब इसे राजनीतिक समाजशास्त्र कहा जाता है। It shares many characteristics in common with political science, but its emphasis There is more than political science में social basis of distribution of power, control mechanism and the system of laws. अब देखिए, बोल रहा है बहुत सारी विशेषताएं एक जैसी होती हैं political science की और sociology में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो जोर दिया जाता है वो क्या चीज़ पे दिया जाता है कि राजनीतिक विज्ञान में जो समाज है, ठीक है, उसमें किस तरह से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कैसे नियंत्रण रखा गया, कैसे जो नियम है उसको लागू किया गया, तो ये सब देखो किया कहाँ गया था। अगर पावर्स की बात करूँ तो ये तो समाज में ही है ना, नियंत्रण किसको नियंत्रण किया जा रहा है, समाज को ही नियंत्रण किया जा रहा है। जो हम लोग कानून की बात कर रहे हैं ये कानून किसके ऊपर लागू हो रहा है, समाज के ऊपर। Questions dealing with the relationship between social stratification and the distribution of power or the role of taboos and other prohibition in the maintenance of social order or the place of kinship in the political system are sociological questions. अब देखिए, बहुत सारे इसमें सवाल हैं, ठीक है,
कि सोशल स्टार्टिफिकेशन, यहाँ पे एक वर्ड है, तो आइए इसका पहले हम लोग मतलब देखते हैं, ठीक है। सोशल स्टार्टिफिकेशन मीनिंग इन हिंदी, समाज में स्तरीकरण, ठीक है, किसको क्या रैंक दिया गया, ठीक है, किसका क्या ओहदा है और किस तरह से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसके बीच में क्या संबंध है। साथ ही साथ जो टैबूज, टैबूज क्या होता है, जो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे बहुत लोग एक लड़की का लड़की के संग शादी, लड़का का लड़का के संग शादी, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं समाज में बहुत लोग, तो ये एक तरह का टैबू है, ठीक है, तो आपको ये समझना होगा। और बहुत सारी चीज़ हैं जो हमारे समाज में प्रोहिबिटेड हैं, उनको रोकी गई हैं, तो ये समझना होगा। साथ ही साथ ये समझना होगा कि जो राजनीतिक प्रणाली है उसमें किनशिप का भी जगह है, ठीक है। अब ये किनशिप क्या होता है, आइए इसका आपको मतलब मैं बताता हूँ, ठीक है। किनशिप का मतलब होता है ब्लड रिलेशन। अब कहते हैं ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो नेता का बेटा नेता बनेगा, ये सब भी होता है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, सोशियोलॉजिस्ट कैरी आउट फील्ड वर्क विथ माइक्रो लेवल यूनिट्स वेदर दे आर अर्बन नेबरहुड्स और पॉलिटिकल पार्टीज। आप देखिए, जो समाजशास्त्री होते हैं वो एकदम निचले स्तर से अपना फील्ड वर्क करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, चाहे वो शहर में हो या आपके शहरी जो दोस्त हो वो हो, पड़ोसी या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। दे इल्यूमिनेट द प्रोसेस एट वर्क एट लोकल लेवल्स। आप देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है, लोकल लेवल्स में जो काम है उतना वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। बाई कंपेयरिंग सेवरल लोकल सिचुएशन दे रीच टूवर्ड जनरलाइजेशन अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम एज द होल। आप देखिए, सोशोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारे समाज, बहुत सारे एरियाज पे स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कॉमन है और उसके आधार पर जो राजनीतिक प्रणाली है उसको बताते हैं। बोथ पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी एम टू रीच जनरल प्रपोजिशन अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम बट हाउ दे अकम्पलिश दिस टास्क इज डिफरेंट। अब दोनों ही, राजनीतिक विज्ञान हो या समाजशास्त्र हो, इनका उद्देश्य यही होता है कि ये समझ पाएँ कि समाज में जो राजनीतिक प्रणाली है वो किस तरह से है, पर उनका ये करने का तरीका अलग होता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट बिगिन विथ मैक्रो यूनिट्स एंड जनरलाइज अबाउट दैम। अब देखिए, जो पॉलिटिक्स के ऊपर, जो राजनीति के ऊपर अध्ययन करते हैं वो एकदम एक एक बात की जानकारी नहीं रखते हैं, वो एकदम निचले स्तर से अध्ययन नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, मैक्रो यूनिट्स देखते हैं, ऊपर ऊपर का सब देखते हैं, ठीक है, एज अ जनरल लोगों का ओपिनियन देखते हैं। सोशियोलॉजिस्ट स्टडी माइक्रो यूनिट्स सिस्टमैटिकली कंपेयर देम एंड देन रीच कॉमन प्रपोजिशन। आप देखिए, समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, वो एकदम निचले स्तर पर काम करते हैं, सारा जानकारी इकट्ठा करते हैं, उनकी तुलना करते हैं और फिर कोई रिजल्ट देते हैं, कोई निर्णय देते हैं। तो इस तरह से जुड़े एक साथ ही हैं काफ़ी सारी चीज़, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का एक दूसरे से मिलता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में क्या संबंध है, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।